आपका अपने YouTube चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। तो आज हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है एक बार देखिए कि लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ, लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ, इसमें ये बताइए कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैं किसके साथ सिंस का प्रयोग करूँगा, किसके साथ फोर का प्रयोग करूँगा। देखिएगा जो लास्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ ये शो करता है, लास्ट मंथ मीन्स दैट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट, राइट, फर्स्ट एंड कम्स टू एंड ऑन द लास्ट डे। कहने का मतलब है लास्ट मंथ शो करेगा कि जो एक तारीख से तो स्टार्ट हुआ है और 30 या 31 तारीख को खत्म हुआ है वो होता है लास्ट मंथ। द लास्ट मंथ का मतलब होता है कि जो आपके लास्ट के जो 30 डेज हैं, मींस आज हम मान लो 18 तारीख है, 18 अप्रैल को हम खड़े हैं यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है यदि आप बात करोगे लास्ट मंथ, लास्ट मंथ का मतलब होता है एक मार्च से लेके 31 मार्च, ठीक है। और यदि आप बात करोगे द लास्ट मंथ की तो लास्ट के 30 डेज, कहने का मतलब है कि आज 18 अप्रैल है तो पिछले 18 मार्च, ये होता है द लास्ट मंथ। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, लास्ट मंथ जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक मार्च से एक अप्रैल से पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा। जो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस, राइट। ये किसको शो कर रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम यानी 30 दिन 20 दिन, पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। जो पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा उसके लिए क्या यूज होगा, फोर। सेम चीज जाती है इसके लिए, और एग्जाम्पल होगी आपकी, जैसे तो लास्ट मंथ का था, जैसे लास्ट वीक, द लास्ट वीक, ठीक है, ऐसे ही लास्ट वीक होता है। लास्ट वीक का मतलब क्या होता है, जो कि मंडे से कब तक था, संडे। द लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट 7 डेज, ठीक है। इसमें क्या प्रयोग होगा, इसमें सेम यही चीज प्रयोग होगी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सिंस, क्यों, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, मंडे से संडे, इसमें लास्ट 7 डेज है, ये पीरियड को बता रहा है, तो इसमें 4 का प्रयोग होगा। और सेम चीज जाती है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक, या आप ये भी कह सकते हो नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट वीक का मतलब मंडे से संडे और नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज, ये मंडे टू संडे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो क्या आएगा सिंस, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है 7 डेज, इसके लिए क्या आएगा। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लास्ट मंथ द लास्ट मंथ, लास्ट वीक द लास्ट वीक, द कमिंग वीक द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ द नेक्स्ट मंथ में क्या डिफरेंस होता है, किसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, किसके साथ फोर का प्रयोग, उसके मैंने सारे एग्जांपल बता दिए हैं और उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।